अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी जिसमें फ्लाइट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में जहां कई तरह की बातें चलने लगी, तो वहीं 2017 की वो लाइन भी याद आ गई कि यूपी को ये साथ पसंद है। इस तस्वीर पर जहां प्रियंका पहले ही जवाब दे चुकी थी, तो आज अखिलेश यादव ने भी उस मुलाकात पर कांग्रेस के साथ जाने को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर दी है। प्लेन की उस तस्वीर के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि जिस प्रकार से यूपी में प्रियंका गांधी सक्रिय होकर कांग्रेस में जान फूंक रही हैं, उसके बाद सपा फिर 2017 की तरह उनसे गठबंधन कर सकती है और दोनों ही पार्टियां भाजपा को सत्ता से बाहर करने की राह पर साथ में सवारी करेंगी। इस फोटो को लेकर प्रियंका गांधी ने इस मुलाकात के सवाल पर कहा था कि फ्लाइट में हम दोनों के बीच अचानक मुलाकात हुई, इस दौरान मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने पूछा कि धन्यवाद क्यों, तो मैंने कहा कि कांग्रेस के कायरों को सपा में शामिल कराने के लिए धन्यवाद, जिसके बाद सपा सुप्रीमो हंसने लगे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर जो बात कही, उसके बाद अब गर्म बातों का बाजार को विराम मिल गया है। साथ ही वो आपकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से एक हुई, एक इनफॉर्मल मुलाकात थी फ्लाइट में हो सकती है, क्या बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई, केवल हालचाल और स्वाभाविक जो शिष्टाचार में बातचीत होती है वही बातचीत हुई है। अच्छा, राजभर जी के साथ सीट शेयरिंग को लेके कुछ आप लोग की सीट कितनी देनी है? बहुत जल्दी वो चीज भी बाहर आ जाएगी कि जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं पर विचार किया जाएगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने साथ में चाय पी है स्वतंत्र सिंह के साथ, और अब वो आपके साथ आए हैं। आपको ऐसा एक टेंडेंसी बताई गई, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि राजभर पर कोई भरोसा जल्दी नहीं करता है, आप भरोसा करेंगे? देखिए, जहां तक अभी बातचीत है वो भरोसा ही हुआ है, इसीलिए बातचीत हुई है, इसीलिए गठबंधन हुआ है। अखिलेश यादव ने भले ही स्पष्ट कर दिया है कि फ्लाइट में हुई मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन दोनों नेताओं के व्यवहार के बाद सियासी पंडितों का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन होने की गुंजाइश बनी हुई है। तब तक देखते रहिए यूपी तक।